वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमे विदित्वाति नान्या पन्था विद्यते अनाय ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वम् शम्भो मनासि देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जाना उपासते प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों के भाति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों की भाति तुम कर्तव्य के मानी बनो ओम शांति 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 प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा वंद्य योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज चरक सुश्रुत धनवंतरी वाग भट्ट जैसे ऋषियों के जान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य महाराज उनकी प्रेरणा को उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को उनके तप को हम मिलकर के प्रणाम करते हैं और यहां पर उपस्थित हमारे सभी विद्वान गुरुनिष्ठ राष्ट्रनिष्ठ हमारे सभी राज्य प्रभारी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य आप सभी जिला प्रभारी सभी तहसील प्रभारी और पूजा की योग्य आदर की योग्य हमारी उपस्थित मातृशक्ति सबको हृदय की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूं अभिनंदन करता हूं इस शेखावटी के इस पवित्र प्रांगण में इस मंडल में जो झुंझुनू का मुख्यालय बना हुआ है आज के कार्यक्रम का इस मुख्य स्थान में चोरों, सीकर नीम कथाना आप अलग अलग जिले से यहां पर अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ प्रभारीगण उपस्थित हैं यह हम सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम आज इस वर्तमान काल में जहां स्वार्थ की आंधी है जहां पर संकीर्ण भावनाओं का कलमश है जहां पर केवल अपने ही स्वार्थ के लिए लोग अपनों का भी गला घोटने में कोई संकोच नहीं करते अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते स्वार्थ की धन की संपत्ति की जो अंधी लालसा है उस लालसा को उस वासना को आपने तिलांजलि दे दी आपने एक व्रत गुरु का उस परम पिता परमेश्वर का जो विधान है जो संविधान है जो निष्काम भाव से निर्लेप भाव से निरहंकार भाव से निर्विकार भाव से समर्पण के भाव से समरसता सहजता सरलता सदाचार सद्व्यवहार के साथ सात्विक भावनाओं के साथ जो योग की सेवा दे रहे हैं वह सेवा अत्यंत महनीय है अनुकरणीय है वंदनीय है इस सेवा से ही हमारे जीवन का हमारे घर परिवार का हमारे संसार का कल्याण होने वाला है ये साधारण कार्य नहीं है ये बहुत महान कार्य है जिसको आप सब मिलकर के कर रहे हैं और इस कार्य में जितने भी आपको हाथ मिलते हैं जितने भी आपको सेवा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के आपका साथ देते हैं सहयोग देते हैं उन सभी को भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए भी अभिनंदन करें बोले माता भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे ये। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति महिला पतंजलि योग समिति युवा भारत किसान सेवा समिति सोशल मीडिया ये हमारे जो संगठन हैं वास्तव में ये आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए है व्यक्ति का स्वाभिमान जगेगा उसका तन मन का स्वास्थ्य बनेगा और नैतिक मूल्यों का उत्कर्ष होगा युवाओं में युवतियों में आत्मगौरव का आत्म सम्मान का भाव जगेगा राष्ट्रीयता जगेगी परस्परता तत्परता ममता समता क्षमता से परिपूर्ण हो गए वो योग के ही बल से होगा योग का बल वास्तव में हमको आत्म बल देता है योग का बल हमको मनोबल देता है योग का बल हमको इंद्रियों का बल देता है योग का बल हमको शरीर का बल देता है धन का बल देता है और जन बल देता है योग का बल संसार में सबसे प्रबल है सबसे सफल है जो योग करेगा वो सक्सेसफुल है ये बहुत बड़ी एक घटना है ये बहुत बड़ा एक संयोग है ये बहुत बड़ा राष्ट्र यज्ञ है ये महान यज्ञ है आज इसकी परम आवश्यकता है परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने जो अभाव से संसार के समस्त लोगों के हृदयों में जो प्रभाव उन्होंने डाला है वो योग से ही संभव हो सकता है बिना योग किए कोई भी व्यक्ति आज न तन से न मन से न घर परिवार से स्वस्थ नहीं रह सकता है जो योग करेगा कराएगा ईमानदारी से करना पड़ेगा अब कुछ लोग करते नहीं है थोड़ा बड़ा कर लिया और फिर बोलते हम तो रोज करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिला इसका मतलब कहीं त्रुटि है दूसरी बात योग करने से कराने से हर पल आपको इतनी एनर्जी मिलती है जो किसी औषधि से नहीं मिल सकती है आपका एनर्जी का लेवल इतना हाई रहता है और आप जब योग करते और कराते हैं तो आपका आभा मंडल आपका जो व्यक्तित्व तो है कृतित्व तो है जो नेतृत्व है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है योग कर्म सु कौशलम वो आभा मंडल वो आपका शक्ति पुंज वो आपकी ऊर्जा सबको प्रभावित करती है आप जितना अच्छा विचार करते हैं वो विचार केवल आपको ही प्रभावित नहीं करता ये पूरे संसार को प्रभावित करता है पूरी समष्टि को प्रभावित करता है आपने किसी के लिए अच्छा विचार किया अच्छा उसके लिए सोचा तो आपके रोम रोम से वो पॉजिटिव एनर्जी वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो इस वातावरण में उसका प्रसार होता है और जो भी आपके पास बैठेगा उसको असीम शांति का अनुभव होगा यदि मन में क्लेश है मन में ईर्षा द्वेष है मन में छल कपट है मन में काम और क्रोध है मन में लोभ है तो ऐसे ही नकारात्मक ऐसी ही जो नेगेटिव एनर्जी है उसका संचार हमारे शरीर में होता है जिससे हम अच्छा ना सोच पाते हैं ना अच्छा कर पाते हैं याद रखना ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो रहता है वो भी परेशान रहता है ऐसा व्यक्तित्व तो जो क्रोधी है कामी है लोभी है वासना से आसक्त है वो व्यक्ति जहां भी बैठेगा उस पूरे वातावरण को भी प्रदूषित करता है इसलिए योग विद्या बहुत महान विद्या है ये योग विद्या हमारे जीवन को वास्तव में देवत्व से युक्त करने के लिए है परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज जो साधारण नहीं है देखने में साधारण लगते हैं एक इंसान के ही चोले में पूरा व्यक्तित्व तो समाया है लेकिन याद रखना भाई बहनों वो एक महान हस्ती हैं, वो ऋषि कल्प है वो महामानव है जिन्होंने देश और दुनिया को बदल के रख दिया है ये बहुत बड़ी घटना है वो हजारों उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं हजारों लोगों को लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं करोड़ों लोगों के हृदयों में राज करते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो स्वामी जी महाराज को भले ही घर के अंदर कपाल भाती करते हो अनुलोम विलोम करते हो दंतकांति करते हो लेकिन बाहर आकर के अपने दिमागी कचरे को बाहर फेंकते हैं और जिससे कितना समाज में विष फैलाते हैं उस विष को भी वो शंकर बनकर के पी जाते हैं रामलीला मैदान हो या निरंतर वृंदा करात से लेकर के आज जो बहुत बड़ी लॉबी है फार्मा लॉबी और विदेशी कंपनियां उनका जो विष है उसको भी वो प्रीतिपूर्वक पी रहे हैं ऐसा सरल ऐसा साधु ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी ऐसा वर्चस्वी ऐसा स्वाभिमानी राष्ट्र भक्त जन भक्त मातृ पितृभक्त गुरु भक्त गौ भक्त ये कोई इंसान नहीं ये वास्तव में उस भगवान की बहुत बड़ी शक्ति उसका वरदान है जो स्वामी जी के रूप में हम सबको मिला है तो हमको इस अवसर पर इस जीवन को सदुपयोग मिलाते हुए यूं तो जब तक जीवन है तब तक किसी को फुर्सत अपने कामों से नहीं मिलती मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि यदि ईश्वर ने चौबीस घंटे के अतिरिक्त अड़तालीस घंटे का मतलब चौबीस घंटे का दिन और चौबीस घंटे की रात बना दे अड़तालीस घंटे भी यदि किसी को दे दे तो भी घर के संसार के काम कभी कम कभी नहीं होंगे कम लेकिन जब लोग इस स्वार्थ की आंधी में अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं तो उस समय आप जैसी दिव्य आत्माएं जो शाश्वत उस विधान को मानते हैं अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को आत्मसात करते हैं और पल पल मां भारती के लिए निस्वार्थ से जीते हैं ये साधारण घटना नहीं है हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं ये कोई साधारण घटना नहीं है ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार का परिणाम है ये मां भारती की सेवा का परिणाम है ये मातृभूमि की सेवा का परिणाम है कि हमको हर पल अपने स्वाभिमान अपने देश और समाज के कार्य के लिए हमको एक शक्ति प्रेरित करती है कि इस कार्य को करना है इस कार्य को करना है जहां पर आपको न कोई स्वार्थ की भावना है न कोई पद प्रतिष्ठा की भावना है केवल एक ही भावना है कि मेरा देश और मेरा समाज वो अक्षुण बना रहे निरोगी रहे उपयोगी रहे सहयोगी रहे याद रखना ये संसार का सबसे बड़ा नियम है जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है ये ये मानव का जीवन कर्म के लिए मिला है स्वधर्म के लिए मिला है इस मानव जीवन को पा करके जितना हम अपने जीवन को स्वाध्याय में सत्संग में सदाचार में परोपकार में और हर प्रकार के जीवन के उद्धार में जगत के उद्धार में लगा देंगे तो जीवन का और इस जगत का स्वयं कल्याण हो जाएगा भावपार हो जाएगा बेड़ा पार हो जाएगा और जो प्रमाद करते हैं आलस्य करते हैं कल करेंगे परसों करेंगे बरसों करेंगे, तो ये कभी होने वाला नहीं है आज अभी उपनिषद का कथन है यह चेद अवेदित सत्यमस्ती न चेद इहा महती विनष्टी भूतेशु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकात अमृता भवंती याद रखना यदि तुमने सत्य को जान लिया यदि तुमने आत्म तत्व को जान लिया यदि सेवा के तत्व को जान लिया यदि राष्ट्र की सेवा को जान लिया तो इस जीवन का कल्याण हो जाएगा मुक्ति का द्वार खुल जाएगा और यदि केवल स्वार्थ में फंसे पड़े रहे केवल अपनों के चक्कर में फंसे पड़े रहे तो महान विनाश हो जाएगा महती विनष्टि बार बार ये जीवन मिलने वाला नहीं है बार बार नहीं मिलता हजारों लाखों करोड़ों अरबों जीवन हम जीते हैं लेकिन जब पुण्य हमारा उदय होता है तभी यह जीवन मिलता है इसलिए यह जीवन भला करने के लिए मिला है किसके लिए मिला है भला करने के लिए मिला अभी हमारे आदरणीय बलदेव जी बोल रहे थे जो हम योग करते हैं कराते हैं जो योग कक्षा लगाते हैं ये कोई छोटी कक्षा नहीं है ये बहुत बड़ा उपकार है बहुत बड़ा उपचार है और वो मान के चलो कि हमारा वो चिकित्सालय है एक हॉस्पिटल है जो आप सैकड़ों हजारों लोगों को हजारों बीमारियों से उनको उबार देते हैं लाखों रुपए उनके बचा देते हैं और इस संसार के लिए उनको तैयार कर देते हैं वास्तव में हमारी योग कक्षा ये तीर्थ है क्या है ये तीर्थ है तो इस तीर्थ को हमको अच्छी प्रकार से बनाना है अच्छी प्रकार से इसको रखना है और घर घर परिवार परिवार में ढाणी ढाणी में योग को पहुंचाना है इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि ये बार बार अवसर मिलता नहीं है कल करेंगे परसों करेंगे ये बात नहीं कल मैं इंटरनेशनल विद्यालय में बैठा था इंग्लिश मीडियम विद्यालय है वो तो अंग्रेजी ज्यादा लोग बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है तो बच्चे भी अंग्रेजी ज्यादा समझते हैं तो जैसे कहो योग करो ना टुडे ना, आई एम वेरी बिजी क्या बोलते हैं टुडे आई एम वेरी बिजी बहुत काम है आज तो बहुत काम है कल से करेंगे टुमारो टुमारो फिर कहा थ्री मारो फिर फोर मारो फाइव मारो और वो टालते रहते टालते रहते हैं वो योग कभी करते नहीं है और पता नहीं कब घंटी बज जाए कुछ की पता नहीं चलता प्रधानाचार्य जी अभी दहाड़ रहे थे यहां पर कि ये जो जीवन है ये बड़ा नश्वर है पता नहीं ये पल कल आए ना आए श्वास बाहर आई है अंदर जाए ना जाए जो अंदर गई है बाहर आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं इसका कोई भरोसा नहीं इसलिए ये जीवन बड़ा अनमोल है ये कि पा के सुंदर बदन कर प्रभु का भजन पा के सुंदर बदन कर प्रभु का भजन दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं दुनिया पानी का कोई भरोसा नहीं कितने राजा गए कितने रानी गई कितने राजा गए कितने रानी गई राजधानी का कोई भरोसा नहीं इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली नौजवानी का कोई भरोसा नहीं कुछ लोग बोलते हैं बाद में करेंगे नौजवानी कोई भरोसा है क्या आज सबसे ज्यादा रोग किसको हो रहे हैं नौजवानों को नवयुतियों को, को नौजवानों को इतने रोग सता रहे हैं कि ऑन द स्पॉट मृत्यु हो रही हार्ट अटैक हो गया हार्ट फेल हो गया किडनी फेल हो गई अभी मैं गुजरात में था एक ही परिवार में तीन भाई उनकी एक एक वर्ष के अंतराल में डॉक्टर के पास गए पेट में दर्द हुआ डॉक्टर ने कहा आपकी दोनों किडनी फेल हो गई फिर उसके दूसरे भाई की दूसरे वर्ष में फेल हो गई पता नहीं कब कौन सा अंग फेल हो जाए कोई गारंटी नहीं सामान सौ बरस का है पल की खबर नहीं इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा ये माटी का खिलौना है लेकिन ये संसाधन है उस प्रभु के द्वारा दिया गया सबसे अच्छा साधन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन है इसलिए इसको जीवन में उतारना है योग से ही हमको संपूर्ण आरोग्य मिलेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है योग करने से आपके अंदर उपकार की भावना आएगी योग करने से आपके अंदर देवत्व का उदय होगा आपके अंदर का असुरत्व तो नष्ट हो जाएगा जो संकीर्ण भावना है वो दूर हो जाएगी अयम निजा गणना उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्व अवत्यम ये भाव साधारण व्यक्ति को नहीं आ सकता ये असाधारण व्यक्ति को आएगा जिसके लिए ये सारा जहान उस भगवान का वरदान होता है सारे संसार के प्राणी उस भगवान की दी हुई शक्ति उसकी दी हुई सौगात होते हैं इसलिए उनके लिए एक ही सबसे बड़ा उपचार और उपकार का सदाचार का सदाचार भाव होता है कि ये शरीर किसी के काम आए ये मन किसी के काम आए ये तन मन धन किसी के काम आए वतन के काम आए तो हमारा जीवन सफल होगा बहुत सुंदर बात कही कभी कवि ने कहा कि कर ले भला होगा भला अंत भला है कर ले भला होगा भला अंत भला है बस यही संसार में जीने की कला है बस यही संसार में जीने की कला है जिसने ने की बदी को बिचारा भेद जीवन का समझा वो सारा आप भी गुनगुनाइए तालियों के साथ आनंद के साथ जिसने ने की बदी को बिचारा भेद जीवन का समझा वो सारा रंग भरी दुनिया से वह मुंह मोड़ चला है बस यही संसार में जीने की कला है बस यही संसार में जीने की उस पिता की शरण में जो आया उस गुरु की शरण में जो आया ईश भक्ति में मन को लगाया गुरु भक्ति में मन को लगाया उस पिता की शरण में जो आया ईश भक्ति में मन को लगाया क्रोध की अग्नि में कभी वो न जला है क्रोध की अग्नि में कभी वो न जला है बस यही संसार में जीने की कला है बस यही संसार में जीने की कला है कर ले भला होगा भला अंत भला है बस यही संसार में जीने की कला है शोक सिंधु से चाहते हो तरना भूल कर भी बुरा कुछ ना करना शोक सिंधु से चाहते हो तरना भूल कर भी बुरा कुछ ना करना रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है बस यही संसार में जीने की कला है बस यही संसार में जीने की कला है बस यही संसार में जीने की कला है बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मनुष्य का जीवन किसलिए मिला है धर्म अर्थ काम और मोक्ष मोक्ष यदि चाहते हैं तो धर्म करना पड़ेगा धर्म का लाभ क्या है धर्म का लाभ है सुख धर्म करने से सुख की प्राप्ति है जो अधर्म करेगा वो कभी सुख नहीं पाएगा और धर्म की परिभाषा क्या है जो हम अपना कर्तव्य करते हैं वही धर्म है धारण धर्म या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म हमारे तन का मन का वतन का हमारे समाज का आत्म कल्याण का विश्व कल्याण का जिससे पथ प्रशस्त हो वो धर्म कहलाता है धर्म मत पंथ संप्रदाय समुदाय धर्म नहीं है जो आज धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं और धर्म जो केवल समुदाय का या एक संप्रदाय का रूप ले लेता है धर्म तो एक ही है वो है सनातन धर्म वैदिक धर्म वो है हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की जो परंपरा है वो सनातन धर्म है जिसको हम पल पल जीते हैं वो धर्म है जो सदा सबकी उन्नति चाहता है सबका कल्याण चाहता है सबके हित की बात करता है वो सनातन धर्म है वो चाहे कहीं भी जन्म लिया हो किसी भी वेश में हो किसी भी देश में हो किसी भी शरीर में हो स्त्री शरीर में हो पुरुष के शरीर में हो चाहे जो भी हो वो एक ही धर्म है मानवता का सच्ची इंसानियत का वेद कहता मनुर्भव आए दुनिया के लोगों तुम मनुष्य बनो मनुष्य बनो क्या आज जो पंथ के नाम पर आज जो एक उन्माद है धर्म के नाम पर उन्माद भाषा के नाम पर प्रांत के नाम पर और जाति के नाम पर एक मत के नाम पर पता नहीं कैसे कैसे उन्माद हैं इन उन्मादों को दूर करने का एक ही उपाय है संग छध्वधम संभो मनासी जानता योग से ही हम एक होंगे ये बहुत बड़ी चाल है समझ लेना भाई बहनों दूसरों के द्वारा चली गई चाल है कि भारत वर्ष को जाति में बदल दो जाति में बंटवारा कर दो इसको प्रांत में बंटवारा कर दो इसको भाषा में बंटवारा कर दो इसको पंथ के नाम पर बंटवारा कर दो और बांट दो इनको अलग कर दो और शासन करो आज भी जो विदेशी ताकते हैं जो आश्री शक्तियां हैं जो विधर्मी हैं, वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है